to take part in our industry. I think there's space for everybody. Of course, there's less opportunity right now, I do believe, for females, but I'm hoping that that's changing. I do see a lot changing already, and it's very inspiring. This room itself is an example of that. I'd love to see the unity between all the women. In the industry and in neighboring industries, I think the stronger we become as one, the more we can accomplish together. So it's really inspiring that events like this exist to bring us all together, and I'm really proud to be part of it. Upcoming, abhi Dream Girl mein mera ek gana hai. It's called Dil Ka Telephone. Tere liye dil ka telephone hai bajta ring ring ra ra ring. So it's Ayushmann Khurana is picturized in that song. I'm really excited about that. The film is not released yet, but other than that, I'm singing in a lot of regional films. I have a Tamil song releasing tomorrow. I'm doing a single soon, a Hindi single and a Tamil single coming out next month. So much is happening. YouTube videos are happening. I'm singing in English. I'm trying to cover all the languages. I'm trying to cover all the genres. So it's a lot, but I'm happy. I'm excited. Follow me. ओके बहुत शोर हो रहा है. म्यूजिक में है जी. आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें लाइक अदर प्रोफेशंस कोई भेदभाव नहीं है मेल्स और फीमेल्स में, पर फिर भी आई फील लाइक मोर वुमेन नीड टू कम इनटू म्यूजिक बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशन दैट्स ओपन टू वुमेन. और हम जैसी औरतें करियर बना लिया है हमने म्यूज़िक में, और हम चाहते हैं कि और वुमेन, मोर वुमेन कम इन टू द म्यूज़िक इंडस्ट्री. एंड देर इज़ नॉट ओनली सिंगिंग एज अ करियर इन म्यूज़िक. आई थिंक यू कैन डू सो मच विद इन म्यूज़िक. यू कैन बी अ प्रोड्यूसर, यू कैन बी अ प्रोग्रामर, यू कैन बी एन इंजीनियर. और ऐसे कई औरतें इस रूम में अभी हैं जो सिर्फ गाती नहीं हैं पर प्रोडक्शन करती हैं, इंजीनियरिंग करती हैं. एंड आई जस्ट होप दैट दैट नंबर कीप्स इंक्रीजिंग. एंड इट्स नाइस टू सी दैट ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर हियर इन वन रूम एंड सी ईच अदर फेस टू फेस एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर. एंड आई होप दैट दिस मीटिंग हैपेंस एंड एनकरेजेस मोर वुमेन टू कम इनटू म्यूजिक. मैंने परसों मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो शूट किया इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बिग बैंग लेबल के साथ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत अच्छा शूट हुआ है और वो जल्द ही रिलीज़ होगा. क्या हाल है? चाहूँगी कि वुमेन इन म्यूज़िक फाइनली इंडिया में आ गया है. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर एवरीवन बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि कोई एक फील्ड है जो मेन के लिए है, कोई एक फील्ड है जो सिर्फ जिसमें ज़्यादा वुमेन जाएंगी. बट आई थिंक वुमेन इन म्यूज़िक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इट्स लाइक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग एंड एवरीबडी. आज हम अगर वुमेन इन म्यूज़िक का पार्ट है सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर. एंड हमारा इंडियन म्यूज़िक आज हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं. वी कैन कोलैबोरेट विद वर्ल्ड आर्टिस्ट्स एंड
एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और यहाँ पर आर्टिस्ट मैनेजर्स हैं, आर्टिस्ट लॉयर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एंड सो मैनी पीपल आर हियर हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री टुगेदर. दे आर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड. सो इट्स एक्साइटिंग एंड बहुत मज़ा आ रहा है. इट्स बजिंग एंड एवरीबॉडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्क एंड हाउ टू मेक इट बेटर. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई वॉन्ट टू विश वुमेन म्यूजिक एवरीथिंग ऑल द वेरी बेस्ट. अपनी पहचान बनाने में समय लगता है, बट मुझे लगता है अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं और आपको पता है कि आप अपने काम को सिंसियरली करते हैं और मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तो अच्छे से हो जाता है. सो मुझे ऑलमोस्ट 16 इयर्स हो गए इन द इंडस्ट्री और काफ़ी फिल्मों में गा चुकी हूँ, कॉन्सर्ट्स कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेर आई कुड बी. एंड डूइंग म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक इट्स माई लाइफ स्टाइल. इट्स लाइक यू वेक अप एंड हैव कॉफ़ी, आई वेक अप एंड डू म्यूज़िक. सो आई थिंक लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम म्यूजिशंस की.